Hi guys, welcome back to my channel. So I'm going to share my black dress outfit. So I'm wearing this beautiful black dress from Myntra. मैं शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं क्या लुक क्रिएट कर रही हूँ. मेरे बाल यहाँ पे गीले हैं एक्चुअली. तो स्टार्ट करते हैं आज का मेकअप. तो मैंने यहाँ पे बैंड लगा लिया है. बाय द वे ये चोरी किया हुआ बैंड है मतलब मैंने फिज़ा से ले लिया है. सो यहाँ पे मैं बेयर फेस हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पे द फेस शॉप का वाइट सीड सीरम यूज़ कर रही हूँ. ये एक ब्राइटनिंग सीरम है. सो हम इसे अपने ऑल ओवर फेस पे लगा लेंगे. सबसे पहले फेस को हाइड्रेट या फिर आप कह लो कि मॉइस्चराइज़ कर रहे हैं. मैं सच कोई फाउंडेशन कंसीलर ऐसा कुछ नहीं लगा रही हूँ. लाइक ये बहुत ही यू नो ईजी सा मेकअप लुक है. तो उसके बाद मैंने यहाँ सनस्क्रीन लगाई है. ये मैं बाहर भी जा रही हूँ तो मैं यू नो अगर बाहर जा रहे हैं तो आप किस तरीके से एक स्मोकी आई लुक क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी बेस. तो यहाँ पे मैंने क्लेयर्स का ये बीबी क्रीम यूज़ किया है एसपीएफ 40 का. एंड दिस इज़ माय फेवरेट बीबी क्रीम. आई नो मुझे काफ़ी मार्क्स लग रहे हैं यहाँ पे पिंपल मार्क्स बट अभी वो सेटल डाउन हो गए हैं. सो यहाँ पे मैंने ये क्रीम यूज़ किया है एंड आप देख सकते हो ये अच्छा खासा कवरेज देती है. अभी ये वाइट लग रही है. मैं एक स्टिपलिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ बट ये यू नो दो मिनट बाद अपने ही कलर में एडजस्ट हो जाती है मतलब फेस के कलर में एडजस्ट हो जाती है. तो मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये लैक्मे का कॉम्पैक्ट. ये काफ़ी प्यारा सा कॉम्पैक्ट है मतलब आपके फेस को सेट कर देता है. और मैं यहाँ पे ना अपना हाइलाइटर लगाना भूल गई थी तो मैं लगा रही हूँ. ये बाय द वे मैंने शुगर का लगाया है इन दी शेड पीच गोल्ड. या सो बहुत थोड़ा थोड़ा सा लगा रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ. मुझे हाइलाइटिंग पसंद है इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ. पर ये पाउडर के से पहले आप करें तो बेहतर है. मैंने बहुत ज़्यादा पाउडरिंग नहीं किया था तो ये बहुत ज़्यादा यू नो ऐसा नहीं हुआ कि ब्लेंड नहीं हुआ. तो यू कैन सी हेयर अच्छे से ब्लेंड हो गया. मैं यहाँ पर मेबलिन का ब्लश यूज़ कर रही हूँ. ये मेरा न्यू ब्लश है वैसे मेबलिन का आई थिंक सो. या पिंक कलर में है बहुत ही प्यारा सा. नेक्स्ट टाइम मेकअप स्टार्ट करें तो यहाँ पर मैंने लैक्मे की 9 to 5 लिपस्टिक ली इन द शेड कोकोआ सॉफ्ट. एक बहुत ही प्यारा ब्राउन शेड है. इसे आई पे एक ही एप्लीकेशन लगा के आपको ब्लेंड करना है. एक फ्लफ़ी सा ब्लेंडिंग ब्रश लें क्रीज के ऊपर तक ना जाएं. आप कोई भी लिपस्टिक के साथ ऐसा आई शेडो लुक क्रिएट कर सकते हैं. आप देख रहे हो सीमलेसली ब्लेंड करना है. मेक श्योर कि वो थोड़ी सी क्रीमी ज़्यादा हो आपकी लिक्विड लिपस्टिक क्योंकि वो जल्दी ड्राई नहीं होगी. अगर ड्राई हो गई तो पैच छोड़ जाएगी ब्लेंड नहीं हो पाएगा. देन आई एम टेकिंग दिस मेकअप रेवोल्यूशन का चॉकलेट बा पैलेट और उसमें से हल्का सा ब्राउन शेड लेना है. सबसे पहले क्रीज को ब्लेंड करेंगे एंड उसके साथ साथ आईलिड पे जो कलर उसे लॉक कर देंगे. इससे क्या है आपका आई मेकअप जो है वो पूरे दिन आपकी आईज पे रहेगा. लाइक आप कुछ भी कर लो पूरे दिन आपकी आईज पे रहने वाला है. तो यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं सेम ही शेड को लोअर लैशेज पर भी इस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ. तो धीरे धीरे करके आपको कलर को अप्लाई करना है एंड हटाना है. कलर को अप्लाई करना है एंड ब्लेंड करना है. नॉट हटाना है ब्लेंड करना है. सो यहाँ पे मैंने वेयर किए हैं ओलेंस के इन द शेड स्पैनिश रियल ऑलिव. लव द शेड. ब्यूटीफुल ग्रीन कलर के परफेक्ट नेचुरल लगने वाले लेंसेज हैं ये. उसके बाद आपको लेना है एक डार्क ब्राउन शेड एक पेंसिल ब्रश और उसकी हेल्प से जैसे आप लाइनर पे यू नो ड्रॉ करते हो उसी शेप में ड्रॉ करते करते ब्लेंड करना है. इससे एक बहुत अच्छा स्मोकी लुक आएगा. और उसके बाद हल्का सा आउटर वी पे भी इस तरीके से ब्लेंड करें और उसके बाद अगेन थोड़ा थोड़ा लेते जाएं और ब्लेंड करते जाएं. दैट्स इट. बहुत ही प्रॉपर स्मोकी आई नहीं है बट एक स्मोकी लुक बहुत प्यारा आता है. मैं सेम पैलेट में ब्राउन शेड लेके अपने ब्राउज को फिल इन कर रही हूँ. पाउडर से क्या है कि आपकी जो ब्राउज होती है बहुत नेचुरल लगती हैं. सो या नेचुरल शेप में मैं फिल कर रही हूँ. मैंने काफ़ी टाइम से अपने ब्राउज को ग्रूम नहीं करवाया है. सो दैट्स इट. यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ टोटल टेम्पटेशन बाय मेबलिन. सो ये एक वाटर प्रूफ मस्कारा है इसलिए अगर आप फुल डे के लिए बाहर जा रहे हो तो बहुत बेस्ट है. तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ये आपको बहुत अच्छा फॉल्सीज़ का इफेक्ट देता है ट्रस्ट मी. अभी आप देख लेना डिफरेंस. और जो भी प्रोडक्ट बच जाता है मैं लास्ट में हमेशा अपने ब्राउज को सेट कर लेती हूँ. ये ट्रिक मैं काफ़ी टाइम से अब हैबिचुअल हो गई हूँ उस ट्रिक की. मुझे ऐसा लगता है मेरी आई लैश जो आईब्रोज हैं वो काफ़ी स्टे करती है. एंड यू कैन सी माई आईज गाइज नो फॉल्सीज नथिंग. लैशेज देख रहे हो लग रही है ना मज़े की फंटेस्टिक है. ओके सो यहाँ पे हमने शिमर शेड लिया है. अपने ब्राउ बोन को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे और हल्का सा अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लेंगे इस तरीके से एक छोटे से ब्रश की हेल्प के साथ. ओके नेक्स्ट हम सेम ही शेड को ले रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर ब्राउन शेड है. आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. अगर आप ब्राउन लवर हो तो ये वाला शेड कोकोआ सॉफ्ट लैक्मे 9 to 5 सब ट्राई करो. ओके तो हम कॉन्टोरिंग के लिए कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं. मैं इसी को हल्का सा अप्लाई कर रही हूँ और इसी को ही ब्लेंड कर ले रही हूँ. सी इस तरीके से.
नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ चिया सीड का हाइड्रो मिस्ट, जो कि एज अ सेटिंग स्प्रे भी वर्क करेगा और ये आपको बहुत अच्छा हाइड्रेट करेगा, मतलब ऊपर से लॉक कर देगा. नेक्स्ट आई एम वेयरिंग दीज इयर रिंग्स फ्राम ज्वेल गैलेक्सी आई गेस, या एंड हेयर स्टाइल मैंने ऐसा कुछ खास नहीं किया. आप बन बना सकते हैं, आप कर्ल्स कर सकते हैं, टोटली अप टू यू गाइज, बट मैंने हेयर स्टाइल के लिए कुछ खास नहीं किया है. दिस इज द फाइनल लुक, नो फाउंडेशन, नो कंसीलर, नो हैवी बेस मेकअप, जस्ट कॉटन क्रीम एंड मॉइस्चराइजर, दैट्स इट. देख भी सकते हो मेरे थोड़े बड़े मास्क मार्क्स हैं. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड द बेल आइकन. लव यू गाइस, डू फॉलो माय इंस्टाग्राम.